मप्र, बड़ी खबर, कलेक्टर का शानदार निर्णय। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का भी कड़ाई से पालन कराने की हिदायत अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दी है। मास्क नहीं लगाने अथवा मास्क सही ढंग से नहीं लगाने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर जुर्माना भी लगाया जाए। कलेक्टर ने जिले में सभी नागरिकों से भी कोरोना की तीसरी लहर आने की जताई जा रही आशंकाओं को देखते हुए सभी जरूरी सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है। श्री शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक घर से न निकले तथा भीड़ का हिस्सा न बने। उन्होंने कहा कि जबलपुर न में कोरोना के प्रकरण कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी सी भी चूक कोरोना संक्रमण के बढ़ने का कारण बन सकती है। जबलपुर जिले के निवासी कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका झेल चुके हैं। कोई भी यह नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात फिर पैदा हो। कलेक्टर ने व्यापारियों एवं दुकानदारों से भी आग्रह किया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को ही प्रवेश दें तथा बिना मास्क लगाए गए व्यक्तियों को सामग्री का विक्रय न करें। उन्होंने ग्राहकों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कराने, दुकानों पर गोले बनाने का अनुरोध भी किया है। श्री शर्मा ने स्वयं सेवी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से भी आम लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने, जागरूक करने के प्रयासों के प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में रोको टोको अभियान को गति प्रदान करने तथा कोरोना प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्यवाही के प्रतिदिन कलेक्टर कार्यालय में अवगत कराने की हिदायत भी दी है।